नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे भारत के इस इतिहास में छुपा दिया। हर भारतीय को यह पढ़ना चाहिए। वीर छत्रपति शिवाजी की राज्य अभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। शिवाजी के सिंहासन आरोहण का प्रभाव अगली एक शताब्दी तक हम पूरे भारत में देखते हैं। जब मराठा शक्ति पूरे भारत पर छा गई, भारतीय इतिहास का पाठ्य पुस्तकों में औरंगजेब और शिवाजी के संघर्ष के पश्चात चुनिंदा घटनाओं को ही प्राथमिकता से बताया गया जाता है, जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करना, पालसी की लड़ाई में निराज उद दौला की हार और अंग्रेज़ों का बंगाल पर राज होना और मेरठों की पानीपत के युद्ध में हार होना। उसके पश्चात टीपू सुल्तान की हार, सिखों का उदय और अस्त से 1857 के संघर्ष तक वर्णन मिलता है। एक प्रश्न उठता है कि इतिहास के इस लंबे 100 वर्ष के समय में भारत के असली शासक कौन थे? शक्तिहीन मुगल तो दिल्ली के नाम मात्र के शासक थे, परंतु उस काल का अगर कोई असली शासक था तो वह थे मराठे। शिवाजी महाराज द्वारा देश धर्म और जाति की रक्षा के लिए जो अग्नि महाराष्ट्र से प्रज्वलित हुई थी, उसकी सीमाएं महाराष्ट्र के बाहर फैल कर देश की सीमाओं तक पहुँच गई थी। इतिहास के सबसे रोचक इस स्वर्णिम सत्य को देखिए कि जो मंदांत औरंगजेब वीर शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहता था, उन्हीं शिवाजी के वंशजों को उसी औरंगजेब के वंशजों ने महाराजाधिराज और वजीरे मुतालिक के पद में सुशोभित किया था। जिस सिंध नदी के तट पर आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े पहुँचे थे, उसी सिंध नदी पर कई शताब्दियों के बाद अगर भगवा ध्वज लेकर कोई पहुँचा तो वह मराठा घोड़ा था। सिंध के किनारे से लेकर मदुरे तक, कोकण से लेकर बंगाल तक मराठा सरदार सभी प्रांतों से चौथे के रूप में कर वसूल करते थे। स्थान स्थान पर अपने विरुद्ध उठ रहे विद्रोहियों को दबाते थे। जंजीरों के शिष्यों को, हिंदू मंदिरों को भ्रष्ट करने का दंड देते थे। पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई बनाने पर उन्हें यथा योग्य दंड देते थे। अंग्रेज सरकार जो अपने आप को अजय और विश्व विजेता समझती थी, उससे मराठे समुद्री व्यापारी करने के लिए टैक्स लेते थे। देश में स्थान स्थान पर हिंदू तीर्थों और मंदिरों का पुनरुद्धार करते थे, जिन्हें मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था। जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को फिर से शुद्ध कर हिंदू बनाते थे। मराठों के राज में संपूर्ण आर्यवर्त राष्ट्र में फिर से भगवा झंडा लहराता था और वेद, गौ और ब्राह्मण की रक्षा होती थी। अंग्रेज लेखकों द्वारा अनेकों मानसिक गुलाम साम्यवादी लेखकों द्वारा एक शताब्दी से अधिक के हिंदी के इस स्वर्णिम राज का पाठ्य पुस्तक में ना लिखा जाना इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। हम ना भूले कि जो राष्ट्र अपने प्राचीन गौरव को भुला देते हैं, आपकी अपनी राष्ट्रीयता के आधार स्तंभ को खो देती है। उल्टी गंगा बहा दी। वीर शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। उनके काल में देश के हर भाग में मुसलमानों का ही राज था। यदा कदा कोई हिंदू राज्य संघर्ष करता तो उसकी हर किसी की कौम के किसी विश्वघातीय के कारण हो जाती। हिंदू मंदिरों को भ्रष्ट कर दिया जाता, उसमें गाय की कुर्बानी देकर हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता था। हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर अपने हरम
की शोभा बढ़ाना और अपने आधार्मिक सिद्ध करने के समान था। ऐसे अत्याचारी परिवेश में वीर शिवाजी का संघर्ष हिंदुओं के लिए एक वरदान से कम नहीं था। हिंदू जनता के कारण सदियों से यह सुनने के लिए थक गए थे कि किसी हिंदू ने मुसलमान पर विजय प्राप्त की। 1682 के शिवाजी ने बीजापुर सुल्तान के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने मुगलों किलों को अपनी तलवार का निशाना बनाया। औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए अपने बड़े बड़े सरदारों भेजे, पर सभी नाकामयाबी रहे। आखिर में धोखे से शिवाजी को अगर बुलाकर कैदी कर लिया गया, जहां पर अपनी चतुराई से शिवाजी बच निकले। औरंगजेब पछताने के सिवा कुछ ना रह सका। शिवाजी ने मराठा हिंदू राज्य की स्थापना की और अपने आप को छत्रपति से सुशोभित किया। शिवाजी की अकाल मृत्यु से उनका राज्य महाराष्ट्र तक ही फैल सका। उनके पुत्र सांभाजी ने चाहे कितनी भी कमियां हो, पर अपने बलिदान के सांभाजी ने अपने सभी पाप धो डाले। औरंगजेब ने संभाजी के दोनों आगे दो ही विकल्प रखे थे, या तो मृत्यु का वरण कर लो अथवा इस्लाम को ग्रहण कर लो। वीर शिवाजी के पुत्र ने भयंकर अत्याचार सहकर मृत्यु का वरण कर लिया, पर इस्लाम को ग्रहण कर अपनी आत्मा से दगाबाजी नहीं की और हिंदू स्वतंत्र रूपी वृक्षों को अपने रुधिरों से सींच कर हरा भरा कर दिया था। तो ऐसे थे शिवाजी। शिवाजी ने कई युद्ध भी जीता था और स्वार्थ से बड़ा जाति अभिमान है। शिवाजी ने बहुत कुछ अच्छे कार्य किए और हिंदुओं को एकजुट किया, हिंदू साम्राज्य के लिए काम भी किया, हिंदू राज्य के लिए। तो बहुत ही अच्छे, मतलब क्रांतिकारी बोल सकते हैं, एक वीर योद्धा बोल सकते हैं। और शिवाजी तो छोटे, मतलब समझो 17-18 साल की जब उनकी उम्र थी, तो एक शेर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे कि उस शेर को उन्होंने फाड़ डाला था। बहुत ही शक्तिशाली थे शिवाजी और हाइट में भी लगभग 7 फुट थे शिवाजी। तो ऐसे शिवाजी जो कि 100 किलो का तलवार लेकर चलते थे, ऐसे शिवाजी की भक्ति और सेवा को प्रणाम है। ऐसे वीर योद्धा की कथा अपने बच्चों लोगों को सुनानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे मजबूत हो सके। जय शिवाजी, जय जय श्री राम।